हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं SSH के ऊपर। तो एक क्वेश्चन आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, बेसिकली व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ SSH। ओनली 5 मार्क्स के लिए आता है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यू डोंट हैव टू यू नो लूज दिस 5 मार्क्स ऑल्सो। वेरी सिंपल कंसेप्ट, डोंट वरी अबाउट इट, आई गोइंग एक्सप्लेन यू। सो बेसिकली SSH मतलब क्या होता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज़ अ क्लाउड, ओके, दिस इज़ अ क्लाउड सर्वर। नाउ दिस पर्टिकुलर क्लाउड सर्वर, ये अगर आपको एक्सेस करना है आपके यहाँ पर रिमोट लोकेशन पे, लेट से यू आर सिटिंग विथ योर लैपटॉप, ओके नाइस लैपटॉप, एंड यू आर सिटिंग ओवर हियर, आप लेट से इंडिया में बैठे हो और आपका जो पर्टिकुलर यू नो सर्वर है वो US में बैठा है, हाउ दीज गाइज आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एंड फिर आपका डेटा ट्रांसफर वगैरह कैसे होगा। सो फॉर दैट रीज़न देर इज़ समथिंग कॉल्ड SSH, सिक्योर सॉकेट शेल, ओके। सो सिक्योर क्लियर है कि ये पर्टिकुलर कनेक्शन सिक्योर होने वाला है। सॉकेट दिस इज़ लाइक एंड टू एंड, ओके, सो देर इज़ नो अदर पर्सन, लाइक अदर पर्टिकुलर सर्वर इज टॉकिंग विथ यू एंड यू नो मेकिंग दैट कनेक्शन हैपन। सेकेंड लास्ट वन इज़ द शेल, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। तो अभी आपको पता होगा, नाउ देर आर लाइक मेजरली देर आर लाइक 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके। सो पहला है हमारे पास विंडोज, ओके, देन वी हैव लिनक्स, एंड देन वी हैव मैक, ओके। तो अभी के लिए हम मैक को थोड़ा बाजू में रखते हैं बिकॉज मोस्टली सर्वर्स आर बेस्ड ऑन लिनक्स एंड विंडोज, ओके। तो लिनक्स पे हमारे पास होता है CMD, यू ऑलवेज नो दैट, यू नो दैट ब्लैक विंडो अपने कंप्यूटर के ऊपर होता है, इसे कंप्यूटर मतलब विंडोज में बोलते हैं CMD। सेम लिनक्स के ऊपर होता है टर्मिनल, ओके, टर्मिनल, ओके, जो पर्टिकुलरली आपके कंप्यूटर का एक यू कैन से अंडर द हुड वाला एक बेसिकली यूटिलिटी है, ओके, जहाँ से आप वेरियस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो थ्रू कमांड लाइन, बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस आप बोलो सिंपल में, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, तो यू नो देर आर वेरियस डिफरेंसेस, लाइक अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स निकालनी है विंडोज़ मशीन पे, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, DIR, ओके। यहाँ पर मुझे अगर लिस्ट ऑफ फाइल्स देखने हैं पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, आई एम गोइंग टू यूज़ LS कमांड। तो इसी प्रकार से देर आर लाइक वेरियस डिफरेंट कमांड्स फॉर लिनक्स एज वेल एज विंडोज़। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द लिंक एज वेल इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन चेक दिस आउट ओवर देयर। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर SSH है, सिक्योर सॉकेट शेल, ये जो पर्टिकुलर सर्वर है ये कौन सा है, ये लिनक्स है, ओके, कोर इज लिनक्स। नाउ यू गाइस मेट से कि भाई CentOS होगा तो, या फिर फेडोरा होगा तो, या फिर मेरा यू नो विंडोज़ होगा तो, या फिर वॉट एवर, बट द होल कंसेप्ट इज, या फिर होल कोर इज लिनक्स। लिनक्स है, दैट इज़ वाई वी हैव SSH, एंड SSH है, दैट इज़ वाई वी आर कनेक्टिंग विद द क्लाउड, ओके। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइव एग्जाम्पल और नाइव आइडिया अबाउट दिस थिंग, लेकिन टेक्निकली वॉट इज एग्जैक्टली द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, टू कम्युनिकेट विथ योर सर्वर फ्रॉम लोकल मशीन, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, देर इज नथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। आप फिर अपना बेसिकली आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हो, देर इज नो सच डिफरेंट कंसेप्ट इन दैट केस, ओके। लेकिन ब्रॉड लेवल पर मैं बोलूँगा तो क्या है कि अगर मेरा सर्वर है लिनक्स या फिर वॉट एवर, देन दिस पर्टिकुलर SSH यूटिलिटी और SSH पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल होता है, एक चीज़ भी मैं बताना भूल गया कि दिस इज़ बेसिकली अ प्रोटोकॉल विच इज़ हैविंग अ पोर्ट नंबर ऑफ 22। जैसे आपके HTTP का पोर्ट क्या है, 80 है, या फिर 8080 है, इसी प्रकार से इसका पोर्ट नंबर है 22। FTP का क्या है, 21, ओके, इसी प्रकार से इसका पोर्ट नंबर है 22। एंड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद दिस पर्टिकुलर SSH मतलब विद दिस पर्टिकुलर सर्वर, आपके डोमेन नेम के साथ में, लेट्स से यू हैव अ डोमेन नेम और IP एड्रेस वॉट एवर, तो फिर मैं अभी एग्जांपल में लेता हूँ IP एड्रेस, ओके, IP एड्रेस, एंड यू हैव टू सप्लाई दिस 22 अलॉन्ग विद दैट, ओके, तभी जाके नाउ ये पर्टिकुलर कनेक्शन ऐसे यू नो आपके CMD के थ्रू तो होगा नहीं, तो इसके लिए कोई तो एक अदर यूटिलिटी लगेगी। दिस इज़ बेसिकली अ प्रोटोकॉल, ओके, वॉट इज़ दिस एग्जैक्टली थिंग इज प्रोटोकॉल। जैसे आपका HTTP होता है, यू हैव HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, इसी प्रकार से SSH नाम का भी एक प्रोटोकॉल होता है, ओके।
नाउ ये प्रोटोकॉल या फिर ये पर्टिकुलर यूटिलिटी को यूज़ करने के लिए, ये सर्विस को यूज़ करने के लिए व्हाट टूल्स यू नीड इफ़ यू आर ऑन विंडोज़, देर इज़ अ टूल कॉल्ड पुट्टी, ओके PUTTY, पुट्टी, या फिर यू कैन यूज़ फाइलज़िला ऑल्सो, अगर आपको SFTP मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से, बेसिकली आपको अगर SSH से डायरेक्टली फाइल्स एक्सेस करनी है, यू कैन यूज़ फाइलज़िला ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. ऑन लिनक्स मशीन अगर आप है, या फिर लिनक्स या फिर मैक पे हो, तो फिर यहाँ पर एक SSH क्लाइंट करके आपको यूटिलिटी है वो डाउनलोड करनी पड़ती है थ्रू टर्मिनल, एंड देन यू कैन कनेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सर्वर. अभी कनेक्शन तो ऐसे हवे में होगा नहीं, ओके, देर नीड सम ऑथेंटिकेशन टू दिस पर्टिकुलर सर्वर इन ऑर्डर टू गिव यू द एक्सेस ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है अभी, अगर इफ़ एनी वन नोज अबाउट गूगल क्लाउड या फिर AWS, तो फिर AWS एंड गूगल क्लाउड कैसे काम करते हैं, या फिर उनका एक बेसिक क्या वर्किंग होता है. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट GCP, ओके, तो GCP मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओके. गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के पास ऐसा कोई यू नो फ्रंट लेवल पे इंटरफेस नहीं है जहाँ से आपको पूरी फाइल्स वगैरह दिखेंगी, या फिर ऐसा कुछ फैंसी स्टफ नहीं है. अगर आपके फाइल्स या फिर फोल्डर्स को एक्सेस करना है, देन यू हैव टू क्रिएट अ प्राइवेट की, ओके. व्हाट डज इट मीन प्राइवेट की क्रिएट करना पड़ेगा? प्राइवेट की क्रिएट करके यू हैव टू पुश दैट की इनटू योर SSH की ऑफ GCP. सो इसके ऊपर भी आई हैव अनदर वीडियो हाउ टू एक्सेस फाइल्स ऑन GCP. आई विल पुश दैट लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल, डोंट वरी अबाउट दैट. सो अभी ये पर्टिकुलर मेरे पास की आ गई है, इसको भी कैसे जनरेट करना है? पुट्टी नाम के टूल से, अगर आप विंडोज पे हो तो पुट्टी की जेन करके उसकी यूटिलिटी आती है. जब आप ये पुट्टी डाउनलोड करते हो, उसके साथ में ये यूटिलिटी भी आ जाती है. आप अगर इसमें स्टार्ट में अगर सर्च करोगे ना, यू विल फाइंड दिस थिंग बेसिकली. और उसका प्रोसीजर कैसा है वो मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ओके. नाउ अभी आपको अगर ये पर्टिकुलर प्राइवेट की यहाँ पर आपने अपलोड कर दी है, उसके बाद में जब आप यहाँ से आपके विंडोज़ मशीन से आप जब उसका कनेक्शन चालू करोगे, दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड द पब्लिक की, ओके. पब्लिक की प्रोवाइड करनी पड़ती है जब आप ये SSH को एक्सेस करना चाहते हो, तभी फाइल्स यू नो क्लाउड के ऊपर की सारी फाइल्स को अगर एक्सेस करना है तो. और जब आप ये पर्टिकुलर की प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पर आपने प्राइवेट की अपलोड की है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए. अगर ये कॉम्बिनेशन मैच हो गया, देन यू ग्रांट एक्सेस टू द फाइल्स एंड फोल्डर्स. इफ़ दिस कॉम्बिनेशन डजेंट मैच, एक्नॉलेजमेंट आपको आएगा, कनेक्शन फेल्ड और ऑथेंटिकेशन फेल्ड और समथिंग लाइक दैट. सो मेरे ख्याल से अभी ब्रॉड लेवल पे यू गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ SSH एंड हाउ इट वर्क्स बेसिकली. अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर कोई कमेंट है, या फिर एनीथिंग यू हैव टू टॉक अबाउट, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.